7 जून 2015 को जब रेल ट्रैक आंदोलन हुआ था उस समय हमारे ऊपर फर्जी 302 मुकदमा हुआ। ऐसी स्थितियों में हमें जंगलों में जाकर आना पड़ता, तो हमारे कम से कम 80 गांव ऐसे हैं जो जंगलों में बसे हुए हैं नौतनवा में, तो मैं उनके बीचों में रोज़ खाना खाता था, सुबह इस बड़े रेप कर शाम को उसमें हूँ, वहाँ उनकी स्थिति को देखा, उनके दर्द को देखा कि कोई लाइट नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ी में है, शिक्षा नहीं, उनकी लड़कियों से कोई शादी नहीं करना चाहता यहाँ। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आयुष द्विवेदी। हमारे साथ हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद। संजय जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत। बहुत बहुत बधाई आपके चैनल को और आपके चैनल के सहयोग का। सवालों पर आते हैं, कसरवल से लेकर कैबिनेट मंत्री का सफर कैसा रहा? संघर्ष के नेता हम लोग हैं और समाज के लिए संघर्ष करते हैं, और जिस समुदाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं खुशी इस बात की है कि कसरवल में जिस मुद्दे को इनकी बेकारी, लाचारी, बीमारी, संविधान में लिखा हुआ इनकी जो व्यवस्था है उसकी लड़ाई लड़े कि हम देश में आज़ाद कराया, हमारे परिवार ने इस देश को आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान मछुआरों का था, कानून बनाकर मछुआरों को अंग्रेज़ों ने उजाड़ा था, संविधान इस देश को आज़ाद में इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा हो, पहला कमीशन जो बना अंथा सेमन गैर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, उसमें रिपोर्ट दिया गया कि इनकी दशा SC ST से भी बहुत ख़राब है। उस फाइल को कांग्रेस के समय हमने 6 घंटे 16 मिनट उसे बहस कराया, उसे कूड़े में डाल दिया, तो ऐसे में कोई रास्ता नहीं बचा था। अब पता चला कि गांधी ने एक शब्द कहा था कि जिसे कुछ लेना होगा उसे सड़क पर आना होगा, उसको एक आवाज़ उठाना होगा, वो आवाज़ ऐसी आवाज़ हो कि जो सदन की दीवार को लांग कर उस सदन के अंदर जाए। तो रेल और सड़क आंदोलन ही एक ऐसा रास्ता होता है कि जिससे हम कोई आवाज़ उठाएंगे तो मीडिया है और सारे लोग, देश के लोग समर्थन में खड़े होते हैं कि नहीं, इस समुदाय के लोग भूखों मर रहे हैं, इनके लिए विशेष कानून बनना चाहिए, पीड़ित हैं ये, उपेक्षित हैं, इनके साथ धोखेबाजी हुआ, षड्यंत्र हुआ है, इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है और इन्हें न्याय चाहिए। तो एक दशक मैं कसरवल शुरू किया और कसरवल की उस देन थी कि हमारे लोग इसको जाने कि भाई प्रमाणिक दस्तावेज होने के बावजूद भी पिछली सरकारें इनके साथ अन्याय करें, उत्तर प्रदेश सरकार गुमराह कर रही थी, केंद्र सरकार को आवाज़ उठा रहे थे। तो आज इस कसरवल से कैबिनेट तक पहुँचने में जो देखा खुशी इस बात की है कि जिस समुदाय के लिए मैं संघर्ष कर रहा था उस समुदाय के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हमें वो एक पद मिला है। पद नहीं है वो, पद की प्रतिष्ठा है। पद नहीं है, हमारी सोच से सेवा होती है। उस कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी टीम में एक जगह दी है खिलाड़ी के रूप में, और उन्होंने निर्देश दिया है कि इनके लिए जो जो हो सकता है विकास की मुख्यधारा में लाओ। एक दशक से भी कम समय हुआ निषाद पार्टी का उदय हुआ, उसके बाद तमाम चुनौतियाँ आई, किस तरीके से झेले और निषादों को कैसे, जैसे कहा जाता है कि निषाद पहले बसपा के साथ थे, भाजपा के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, और आपके आने के बाद निषादों को आपने एकजुट किया, किस तरह से, आप मतलब किस तरीके का चुनौती आया? देखिए, देखने में लगता है कि हम 10 साल से काम कर रहे हैं। नहीं, मैं पार्टी की बात किया, उसके पहले आप आंदोलन करते थे। पहले हमारा जो समुदाय है कभी मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा है, सभी पार्टियों से लड़ा है। मेरे कहने का मतलब बटा हुआ था। हाँ, तो बटा था, ये किसी का डोमिन नहीं था, न कांग्रेस का डोमिन था, न तो बसपा का, न सपा का। भाई, अपने इस देश के, राष्ट्र के निर्माण के लिए, गरीबों की हिस्सेदारी के लिए, क्योंकि बसपा ने एक नारा दिया था सबका साथ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके वजह से इनके यहाँ भाईचारा कमेटी बनाया था। उस भाईचारा कमेटी में आकर इन लोगों ने वोट दे दिया कि भाई भाईचारा है, एक दलित की बेटी आ रही है, सबका नारा दिया है तो संख्या के हिसाब से उन्हें मिल जाएगा, धोखा मिला इन्हें। सपा के साथ हुआ कि समाजवाद का होगा, लेकिन फिर वही 2000 चंगू मंगू जीरो हो गए, बाकी देश की जनता जीरो हो गए। नाम तो पिछड़ों का था, नुमाइंदगी करने का नेता पिछड़ों का, लेकिन दो कानून भी नहीं बनाए इनके लिए, पिछड़ों के लिए नहीं बनाए, तो निषादों के लिए अलग बात है। दलित की बेटी रही हूँ, दलितों के लिए कानून नहीं बनाए कि उनके जीवन में गांव के लोगों को जोड़ा जा सकता। तो ऐसे में निषाद पार्टी का उदय हुआ, और चूँकि हम लोग कांशीराम के साथ रहते थे और देखा कि कम संख्या में ट्रेंड लोग राजनीति में, राजनीति के बजट के, राजनीति के व्यवस्था के, न्याय के, और राजनीति से जो फल मिलता है उसके हिस्सेदार हैं, और बहुसंख्य लोग अनट्रेंड लोग हैं राजनीति के लिए, तो इसलिए उन्हें वह उस राजनीति के शिकार हैं। तो ऐसे में हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। उनको मैंने एक सिस्टम से इतिहास पढ़ाया कि तुम्हारा गौरवशाली इतिहास क्या रहा,
तुम्हारे पुरखों ने दुनिया में क्या सोने की चिड़िया बनाया, इतना ऐसा काम करते थे बजट बना कर कि दुनिया में राम राज था, तब जो है किसी के घर में ताला नहीं लगता था, सभी लोग धन्य धान थे, बराबर की हिस्सेदारी थी। आपका समाज कैसा था, सामाजिक स्थिति एक नंबर की थी, सब लोग मिलजुल के काम करते थे, फिर राजनीतिक हिस्सेदारी में हमारे आपके पुरखों ने देश को आज़ाद कराया, लेकिन तुम्हारे दर्जन भर नेता चाहे महेंद्र सिंह राजपूत हो, धनीराम वर्मा हो, रघुवर दयाल मनवा हो, मनोहर लाल निषाद हो, जयपाल कश्यप हो, झूरी मिल हो, जमुना निषाद हो, पूलन देवी हो, जो भी आपको हिस्सा दिलाने आया वो सब मारे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग अनट्रेंड सिपाही के साथ आप नेता बनाओगे तो सारे नेता मारे जाएंगे, क्या हमें भी मरवाना चाहते हो? तो इन लोगों की एक ही आवाज़ होता था नहीं, तो हमने कहा भाई आपको ट्रेंड सिपाही बनना पड़ेगा, आपको ट्रेंड पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, शिक्षित प्रशिक्षित 10 कार्यकर्ता तैयार करना पड़ेगा, तब हमें रखो, नहीं तो हमारा भी जान मारा जाएगा। तो ये लोग ट्रेंड हो गए, तो मैंने प्रोग्राम बनाया कि भाई लिखा गया कि पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग द अंडर गार्ड पावर, राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती है। तो फिर इनको राजनीतिक ज्ञान देने के लिए हुआ, पता चला कि राजनीति एक ऐसा मंदिर है जिसे सभी के समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, सभी को न्याय दिया जा सकता है, सभी को एक साथ लेकर चला जा सकता, जो मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। तो ऐसे में इनको लगा कि भाई राजनीतिक रूप से हमारा जो समाज है ये पॉलिटिकली बेहोश है, ये अनकॉन्शियसनेस है, और इसकी चाबी इसका वोट सपा ले लेती है, बसपा ले लेती है, लेती है, भाजपा भी ले लेती है। ये 15 जो है ये 50 सालों से ये जब अपना खाते हैं 350 दिन, लेकिन 365 15 दिन वो खिला देते हैं, इन्हें पिला देते हैं, पौवा पिला के इनका वोट ले लेते हैं, पौवा पिलाने वाला ये बेहोश हो जाए, दिमाग से सुन हो जाए, वोट इनका ले लो, इनके घर का ले लो। तो मैंने इसको कहा भाई पौवा चाहिए, पैसा चाहिए, पावर देने लगा कि भैया पौवा पीने के बाद तुम पाँव में चले जाते हो और वोट लेके पावर में चला जाता हाथी से किल पंजा वाला। तो इनको निषाद राज के किले पर ले जाके दिखाए कि भाई तुम्हारा समाज कभी पावर में था, निषाद राम के साथ उनके कैबिनेट में आए, दुनिया में राम राज आए, तो आप भी चलो जय निषाद राज का नारा लगाओ और पावर में आने के लिए आप साथ में सबको न्याय, अपने भी न्याय पाओ और सबको पड़ोसी को भी न्याय दिलाओ, उसका भी विकास करो। इन्हें हमारी बात तो पसंद में आया तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया कि रीच द वोटर, वोटर के पास जाना होगा, ट्रीट द वोटर, वो बेहोश है उसे इलाज करना होगा, रीच द वोटर एंड ट्रीट द वोटर, ट्रीट द वोटर मतलब ट्रीटमेंट करना है, फिर उसे होश में लाना है और जोश में लाना है। तो रीच द वोटर, ट्रीट द वोटर, टीच द वोटर, तब वो जब होश में आ जाएगा तब बातों को समझेगा, उसे पढ़ाएगा, पढ़ाया जाएगा, और जब पढ़ लेगा टीच द वोटर तब कास्ट द वोटर, तब सही जगह बटन दबाएगा। इसकी देन है ये कि जो मेरे प्रोग्राम की कि सही जगह कमल का बटन दबा रहे हैं, भोजन वाली थाली दबा रहे हैं, कप प्लेट दबा रहे हैं, बिना कहे हम किसी बहुत जिले में नहीं, भोजन वाली थाली से याद आया डॉक्टर साहब, बहुत विधानसभा में गए, भोजन वाली थाली से याद आया, हमारे गए मेरे ट्रेंड लोग कमल बटन दबा दिया कि कमल दबाने से भोजन मिलेगा, कमल दबा देने से भोजन भरी थाली को जगह मिलेगी लखनऊ में, कमल दबाने से ही निषाद पार्टी को भागीदारी मिलेगी। तो इन लोगों ने कमल दबा दिया, कप प्लेट दबा दिया, भोजन भरी थाली दबा दिया। साहब एक चुनौती था 2017 के विधानसभा के चुनाव में आते हैं पहले नौतनवा विधानसभा, जैसे अभी आपने कहा ना भोजन बड़ी थाली, कमल का फूल, कप प्लेट, बहुत बड़ी चुनौती 2017 में कमल का फूल, कमल नहीं खिला पाया। और जब हम लोग नौतनवा जाते थे तो लोग कहते थे अब की तो चुनाव चिन्ह भोजन बड़ी थाली है, कन्फ्यूजन आ जाएगा। उसके बावजूद भोजन भरी थाली खिल गया, इसका कारण क्या है? जो काम अमित शाह नौतनवा में जाकर नहीं कर पाए 2017 के विधानसभा में, चूँकि इस बार भी आए थे, आपने ऐसा क्या कर दिया कि जादू, कौन से जादू का छड़ी चलाया कि नौतनवा में भी जो है भोजन वाली थाली खिल गया? देखिए ये जो 18% आबादी केवट मल्लाह बिन कश्यप हाथ में बटा था, तो जब 7 जून 2015 को जब रेल ट्रैक आंदोलन हुआ था, उस समय हमारे ऊपर फर्जी 302 मुकदमा हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे ऊपर फर्जी केस होने के नाते हमें सपा ने बहुत बड़ा अपराधी घोषित कर दिया, मेरे भाई को ही मारा, उल्टा ही हम लोगों को केस कर दिया। ऐसी स्थितियों में हमें जंगलों में जाकर आना पड़ता है, तो हमारे कम से कम 80 गांव ऐसे हैं जो जंगलों में बसे हुए हैं नौतनवा में। तो मैं उनके बीच में रोज़ खाना खाता था, सुबह इस बड़े रेप शाम को उसमें हूँ, वहाँ उनकी स्थिति को देखा, उनके दर्द को देखा कि कोई लाइट नहीं है, घर नहीं है, झोपड़ी में है, शिक्षा नहीं, उनकी लड़कियों से कोई शादी नहीं करना चाहता यहाँ के। तो इसके लिए हमें बड़ा बड़े सोच के साथ था, तो उन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया। तो आज के दिन में जीतने का मतलब हुआ
कि मोदी जी की नीत, अमित शाह जी का प्रबंधन, योगी जी का सुशासन, ये तो सब पर था, लेकिन इन लोगों के ऊपर पौआ पिला पिला के दूसरे लोग ले लेते थे। आज़ादी के बाद कभी नहीं खिला, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। इसलिए इनको पौआ ही कह रहे हैं कि सारे लोग इनसे हाथ जोड़ के लेते थे, इनसे हाथ ही नहीं जोड़ना था। पौआ पिला दीजिए, इनके पास तो कोई नेता ही नहीं जाता था, नेता का एजेंट जाता था, कुछ खिला पिला के वोट ले लेता था। लेकिन जब इन्होंने अपने ऊपर लेबल लगा दिया निषाद पार्टी का कि ये वोट पौआ वाला नहीं है, पार्टी वाला है, अब तब इसीलिए मैंने वहाँ कहा अमित शाह जी से कि वहाँ कमल भेजेंगे तो नहीं खिलेगा। अच्छा, अगर पार्टी भेज देंगे तो कमल वाला वोट तो आप जाके डलवा देंगे, वो तो पाते ही हैं आप, लेकिन इनका वोट लेने के लिए अब वो इधर उधर नहीं देने के लिए तैयार है। इतना कसम खा लिए हैं कि कहीं बटन नहीं दबाएंगे, तो कमल भी नहीं दबाएंगे ठीक से, तो हार जाएंगे, इसलिए वहाँ भोजन भरी थाली भेज दीजिए, तो एक मुश्त वोट आपको 50,000 मिल जाएगा यहाँ। अब 50,000 आपका मिलता ही है, दोनों जुड़ जाएगा, आराम से जीत जाएंगे। तो हम दोनों की टेक्निक आई कि भाई ये भोजन भरी थाली ले लिया, इनको लगाया, इनको बताया गया कि भाई तुम्हारी थाली खाली कर दिया था सपा बसपा ने और भाजपा ने भर दिया है, बटन दबा दो, एक भोजन भरी थाली दबाओगे तो डॉक्टर संजय को पाओगे, मोदी और योगी तो इसे पा जाओगे। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि 70 सालों से ताल पोखरा नदी झीलों पर बसपा सपा कांग्रेस का कब्जा रहा, प्रदेश में बसपा सपा कांग्रेस का कब्जा रहा, अब तो विभाग भी आपको मिल गया है, और ताल पोखरा पर और देखेंगे खनन को, खनन के मामलों को देखेंगे तो बहुत सारे जो खनन हैं भू माफियों के कब्जे में, जो खनन माफिया हैं उनके कब्जे में, उसको किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आप उस विभाग के खुद मंत्री, अभी तक आप कहते आए कि बसपा सपा का कब्जा रहा, अब तो विभाग के मंत्री आप भी माफिया हैं, डान हैं, जो अपराधी हैं, जो डराते धमकाते रहे, वो एक बुलडोजर बाबा हमारे योगी आदित्यनाथ, वो बुलडोजर देख के अपने उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, 2-4 बचे होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। कानून के मुताबिक अब जिसको जो उस पात्र होगा उसे निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे वो नदी हो, ताल हो, घाट हो, पात्र व्यक्तियों को मिलेगा। पिछले बार गुंडों के हाथ में आता था, वो परंपरा खत्म करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम धन्यवाद दूंगे योगी आदित्यनाथ जी को कि अब पारदर्शिता हो रही है, उस पारदर्शिता में हम लोग अब कैबिनेट में बैठ कर काम करेंगे कि छोटे सीमांत काश्तकारों को, छोटे लोगों को भी उस पर अवसर मिले, उन्हें रोजगार से जोड़े जाए। बड़े लोग तो हैं ही हैं, लेकिन उसमें बड़े लोगों के अंदर छोटे लोग मजदूर के रूप में हैं और उन्हें आपको सहायता देना पड़ रहा भोजन का, तो इसलिए उन्हें भी अगर आप इसमें इस व्यवसाय में जोड़ लेंगे कानून बना के, तो उन्हें शायद आपको मदद देने की जरूरत में, वो भी मजबूत हो जाएंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे। दूसरी बात रही ताल खाट पोखरे पर, तो अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा था हमें, तो बसपा सपा का कांग्रेस सपा बस नहीं है ना, कानून बना के उजाड़ा था, और कांग्रेस के समय हमारे कुछ लोगों ने उस पर कुछ नीतियां बनाई थी कि पहले इन्हीं को मिल जाए, कि मतलब पहले फिशरमैन को या मछुआ समुदाय को पहले प्राथमिकता थी, अच्छी बात है ना, लेकिन थी ना, लेकिन फिर नेता जो थे कांग्रेस, एक दो गवर्नमेंट चली उसके बाद धीरे धीरे इन्हें ख़त्म कर दिया कि नहीं सभी लोगों को दे दिया जाए, फिर प्राथमिकता आ गई कि SC ST को पहले दिया जाए, मतलब मछली का व्यवसाय करने वाला, मछली मारने वाला जिसके अंदर गुण हो उसको पहले नहीं दिया जाएगा, जिसके अंदर कोई गुण नहीं उसे दे दिया जाए, इसीलिए ये तो उपेक्षित हुए ही, वो भी नहीं काम कर पाया, दोनों नहीं, भाई जिसको नहीं आया उसे दे दिया और जिसको आ रहा था उसे किनारे कर दिया। तो ऐसे में अभी जो इसमें ट्रेंड लोग हैं, अभी तय हो रहा, अभी कैबिनेट की बैठक हुई है कि इसमें जो कब्जे किस तरीके से कानून में बदलाव करके इनको कोसों दूर किया गया, तो उस कानून में बदलाव करने के लिए महाराज जी ने सहमति दे दी है कि प्रोजेक्ट बनाओ कि कैसे मछुआ समुदाय और इनके साथ गांव के और भी बिरादरी के जो गरीब लोग हैं कैसे इस पेशे से जुड़ सकते हैं और उन्हें रोजगार के साधन देकर विकास की मुख्यधारा मिलाया जा सकता है। आप निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का पद तो मिला, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि जो आपको कैबिनेट मंत्री का जो पद मिला है, जो विभाग मिला है, वो छोटा है आपके हिसाब से, आपके कद के हिसाब से। एक्चुअल में वो जो जो इस राजनीतिक दलों से, राजनीतिक पार्टियों से और कैबिनेट मिनिस्टरों से जो जो लोग फायदा उठाते हैं उन्हें दर्द होगा कि इन्हें डॉक्टर साहब के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें हम लोग बड़े बड़े फायदे हो जाए। हमें इतनी खुशी है, हमारे समाज को इतनी खुशी है कि हमें इसलिए खुशी है कि हम जिस समुदाय के संघर्ष के लिए, रोजी रोटी के लिए हम रेल पर गए, जेल गए, उन्हें जगाया हूँ, उन्हें बताया हूँ कि आओ तुम्हें सरकार से ही, संविधान से ही तुम्हें मिलेगा और दिलाएंगे तब जब तुम सत्ता में जाओगे तब, तो कम से कम इस समुदाय को जिसके दरवाजे पर दो रोटी खाया हूँ, गया हूँ, इन्हें जगाया हूँ,
उनके सेवा का अवसर कलम से, इनके बच्चों को रोजगार देने का, इनके बच्चों को सिखाएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे और इनको उद्योग में लाएंगे, इन्हें व्यापारी बनाएंगे। तो कम से कम अब इन्हें बताया था कि निषाद राज तुम्हारे व्यापारी थे, दुनिया में व्यापार करते थे तब जी सोने की चिड़िया थी, और तुम आज भिखारी बन के घूम रहे हो, फिर व्यापारी बनो। हम माननीय मुख्यमंत्री ने बता दिया है कि आप ट्रेनिंग कराओ, हर एक ब्लॉकों में ट्रेनर रखो, मास्टर वो उन्हें ट्रेंड करेंगे, और पात्र व्यक्तियों को जो योजनाएं हैं दिल्ली से, अब 60% सब्सिडी है इनके नाम से, महिलाओं के नाम से, अब ये महिलाओं को घर में रखे हैं, तो उसी बहाने महिलाओं को बाहर करेंगे, माँ लक्ष्मी होती है तो कम से कम महिलाएं लक्ष्मी का नाम दिया जाता, महिलाएं काम करेंगी तो ईमानदार होती हैं कि अगर उन्हें बैंक से कुछ मिल भी जाए तो जमा भी टाइम से कर देती हैं, तो इसलिए महिलाओं के नाम 60% सब्सिडी है, इनको कहेंगे भाई लड़कियों को लाओ और अपने बीवी को लाओ, उनको आगे करो, बच्चों को भविष्य बनाए, और उनके नाम से इनको। पश्चिम बंगाल से और केरला से आंध्र से आप मछली जो उत्पादन होता था वहाँ यहाँ आयात होता तो उस पर आप रोक लगा रहे हैं, क्या होता नहीं रोक नहीं लगा रहे हैं, ये गलत शब्द है, हम इनको कह रहे हैं कि हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास वो साधन संसाधन कमियाँ अवेयरनेस वो सिस्टम नहीं था, इसलिए हमारे इस प्रदेश में दूसरे प्रदेश के लोग आके मछली बेच रहे हैं और वो लंबे समय से 5 दिन 6 दिन लगता है मछली में उसको जहरीलापन होने में टाइम, तो इसलिए हम इतना उत्पादन कर दें कि वहाँ से आने की जरूरत ही नहीं पड़ा, हम उनको या दूसरे प्रदेशों को देने लायक बना दें, इसीलिए इसके लिए आते ही हमने प्रोजेक्ट पर काम किया हूँ। पहला काम है कि इनकी जितने भी नदियों में उजड़े लोग हैं, घर नहीं है, पहले उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उनको मकान दिए जाएंगे। पहला प्रोजेक्ट है कि जो ये अपने हिसाब से जो परंपरागत ढंग से मछली पालते हैं तो उन्हें आधुनिकीकरण किया जाएगा, आधुनिकीकरण करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा इनका, और इनके लिए प्रोजेक्ट बनाकर हर जगह मास्टर ट्रेनर और डॉक्टर दिए जाएंगे और इनको अनुभव दिया जाएगा ले जाकर कहीं ना कहीं कंटिन्यूस, और इनके लिए मंडियाँ, इनके लिए बेचने के लिए, इनके लिए जो भी साधन संसाधन है फ्रीजर है वो सब दिए जाएंगे, और पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का जो प्रधानमंत्री संपदा योजना है या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है इनके लिए अवेयरनेस पैदा किए। अभी आचार संहिता चल रहा है, चौराहे पर एक बोर्ड लगेगा कि इससे कितना फ़ायदा मिलेगा, कितनी सब्सिडी है, इससे जुड़ने से कैसे रोज़गार मिलेगा, और इनके लिए फ्री बीमा है। धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री को कि एक ही बार मिला उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया और इनके मत्स्य मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग कर दिया, इन हमारी बिरादरी के लिए फ्री बीमा दिया है कि मतलब, लेकिन देखिए क्या है विसंगति कि कोई बीमा ही नहीं करा पाता है क्योंकि कोई था नहीं इनके बताने वाला, अब इनके लोग साइकिल से मर जाते, फ्री बीमा में क्या है, सरकार किस्त देगी, इनका नाम नोट होना चाहिए कि मर गए तो 5,000-5,00,000 मिलेगा, डिसेबिलिटी हो गए 2,50,000 मिलेगा, अस्पताल में भर्ती हो गया 25,000 मिलेगा, फिर इनके बच्चों के लिए सब्सिडी 60,000 रुपये, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्हें बोट खरीदने पर और सामान खरीदने पर 40% सब्सिडी दिया है, बीज खरीदने पर 25% दिया है, तो ये चीज़ें जो पैसा आ रहा है तो चूँकि इनको पता नहीं है, इनका कोई नुमाइंदा न होने के नाते, तो सपा बसपा के जो ट्रेडिशनल वोट बैंक हैं उन्होंने अपने वोट बैंक को इनके पैसे पर कब्जा करा दिया, तो अभी हो गया कि सभी लोगों को पहला हक इनका बनता है, क्योंकि ये ट्रेंड है, जेनेटिकली ट्रेंड है, ये ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा पैदा कर सकते हैं, इनके साथ और भी बिरादरी जुटकर इस पैसे में आ सकती है। हम लोग एक और सवाल आता है, समाजवादी पार्टी में काफ़ी हलचल, शिवपाल जी सुनने में आया कि आप लोग के साथ जा रहे हैं, ये सही है, जानकारी है, चर्चा है, लगातार चर्चा है। पिछली सरकारों के अंदर एक भेदभाव वाली राजनीति, अपने ट्रेडिशनल वोट बैंक के लिए काम करना, उनके लिए सुरक्षा देना, उनके लिए न्याय देना, तुष्टीकरण की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी, मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि बिना भेदभाव के सभी बिरादरी को, सभी धर्म को, अनाज मिलना है तो सबको मिलेगा, मकान मिलना है तो सबको मिलेगा, योजनाओं का लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो सबको मिलेगा, तो यह है, नेता से नहीं नीति से समाज का भला होता है, तो नीति सरकार बनाती है, तो यादव समाज तो इसे सरकार से जुड़ रहा है, नेता की नेता मन आएंगे जाएंगे वो ऊपर का मामला है, लेकिन
जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा यादव को भी मंत्री बनाया है, यादवों के भी बच्चों को भलाई के लिए, उनके लिए रोजगार के साधन, यादवों के परिवार जो गरीब हैं उनको अनाज दिया है, यादवों को भी दरोगा बनाया, यादवों को भी भर्ती मिली है, ये कहाँ कह सकते हैं। तो सबकी सभी जातियों को, चाहे राजभर को देख लीजिए, उनके यहाँ मंत्री बनाए, उनके लोगों को भी रोजगार के साधन के हर क्षेत्र, तो बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी हर नीतियों का पालन कराती, योजनाओं का लाभ देती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम करती है, इसलिए सभी जातियों का सम्मान है। आगे आगे लोकसभा का चुनाव है, बीच में नगर निगम का चुनाव है, इसे आप किस रूप में देखते हैं, कितना चुनौती है आपके सामने? देखिए, हम लोग चुनाव नहीं, चुनौती स्वीकार करते हैं। आपने देखा होगा कि इस बार मैंने 9 सीटें ऐसी ली थी कि जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, और उसमें से मैंने 7 जीत कर दिखाया। तमकुही राज भी, तमकुही भी दिया, नौतनवा दिया आपका, आपको सागन दे दिया मैंने, आपको करछना दिया, ऐसे मैंने कई सीटें दिया, आपको बांस डी दिया। तो आपने देखा होगा कि मैंने ऐसी सीटें ली जो कभी, कई सीटें तो कभी कमल खिला। आपने मांगा था क्या? मैं खुद मांगा था, दीजिए मैं जीत के दिखा रहा। मैंने हमने लिस्ट दी थी इस 35 में से कोई दे दीजिए जहां वो नहीं जीते थे। हमें आसान था, हमें मालूम है कि वहां किसी का टिकट कटाना नहीं है, कोई जीता ही नहीं है, तो हम सीधे जीत सकते हैं, सहयोग में रहेंगे दो दो पार्टी में। भाई भाजपा अकेले लड़ रही, हार रही है, दो पार्टी जीत लड़के जीत सकती है, इसलिए मेरा रणनीति था। तो 2024 में जिन जिलों में अगर हम लोग हार चुके हैं, हम भाजपा निषाद पार्टी नहीं जीत पाई है, उसके कमियों को ढूंढें, उसे पूरा करेंगे, और ऐतिहासिक जीत होगी इस बार, क्योंकि हम और प्रदेशों में भी, अभी छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा कि हम वहाँ भी अपने मछुआ समुदाय को जगाकर और सीटें भी मांगेंगे, निश्चित रूप में सीटें भी मांगेंगे। सीटें तो देखो, सीट नहीं, हम लोग जीत के लिए काम करते हैं, सीट कम हो देखते हो। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि डॉक्टर संजय कैसे मित्र हैं, कैसे वो ट्रांसफ़र कराते हैं, कैसे हमारा समाज, तो हमारा समाज कभी बेईमान नहीं रहा, हमारे समाज के लोग धोखा खाने वाले लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी गले लगाने वाली, हमारा समुदाय मान चुका है कि भाई जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, दुनिया में शांति आई थी, और भगवान राम ने को निषाद राज ने सेना दिया था और रावण राज खत्म करके राम राज लाया था, तो उसी तरह से मोदी जी, योगी जी ने गले लगाया है इस समुदाय को, और मेरा समुदाय बहुत गौरवान्वित है, और फिर से राम राज लाया जाएगा, और ये मंत्री जो पद है हम लोगों ने अपने समाज के नाम समर्पित है, और वो 24 घंटे उनकी सेवा के नाम। आखिरी सवाल, आरक्षण को लेकर बात होती है, आपके राजनीतिक धूर विरोधी कहते हैं कि सामान्य वर्ग को जिस तरीके से आरक्षण मिला, डॉक्टर साहब नियम कानून बताते हैं कि इस तरह पहले नहीं मिला 70 साल से, लेकिन सामान्य वर्ग को आरक्षण मिला, उसी तर्ज पर आपको भी तो आरक्षण मिल सकता है, क्योंकि उसी की लड़ाई आप लड़ते हैं। एक शब्द है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग्स। ये जो बोलने वाले लोग हैं वो अधूरा ज्ञान रखने वाले लोग, अगर पूरा ज्ञान रखते तो वो पहले आते और हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रोड पर आके मेरे साथ मिलकर आंदोलन करते, मेरे साथ मिलकर सही बात जानते और लोगों को बताते, किसी के कहने। आज 50 साल बाद अगर सामान्य वर्ग को आरक्षण मिला कि गरीब, उसमें लिखा हुआ कि सामान्य वर्ग में ये नहीं लिखा कि इनको नहीं देना है, जो उसमें क्राइटेरिया आर्थिक आधार पर आरक्षण है, न कि किसी जाति के आधार पर आरक्षण, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में आज 50 साल से सरकारें थी, और कितने मुख्यमंत्री रहे होंगे मतलब अपर कास्ट के, लेकिन फिर भी समय पर आने पर उन्हें आरक्षण लिखा गया। आज हमारे निषाद समुदाय का जो आरक्षण है वो लिखा हुआ है, पिछली सरकारों ने इतनी विसंगति पैदा कर दी है, जो हमारे घुर विरोधी जिन्हें आप कहते हैं वही लोग उन सरकारों में थे, सपा में थे, बसपा में थे, और हम लोग जब आवाज़ उठाने की बात करते थे तो लखनऊ छोड़कर भाग जाते थे। हम कभी मुलायम सिंह के या कभी ज्ञापन देने गए तो वो लोग इतना डर गए कि अब हम पार्टी निकाल दिए, लखनऊ छोड़ के भाग जाते थे। आज मछुआ समुदाय के आरक्षण के प्रमाणिक दस्तावेज मैंने इकट्ठा किया है, किताबें लिखी है, आंदोलन किया है, जेल गए हैं, हमारा समाज हमारे ऊपर भरोसा करता है, हमारे जीवन का एक एक खून का कतरा और पूरा समाज, जवानी, पूरा परिवार समर्पित, हमारा संघर्षों का परिवार है। आज उस आरक्षण के मुद्दे पर मैंने एक निर्णायक स्तर पहुँचा दिया कि उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी इसमें रोड़ा था उसे हटवा दिया, लेटर लिखवा के RGI को भेजवा दिया। 70 साल में पहली बार है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया कि डॉक्टर संजय जो कहते हैं कि हमारे यहाँ केवट मल्लाह की गिनती 1961 में मझवार के नाम से हुई थी, और ये तब मझवार थे 1961 से, और ये तब 70 लाख थे, पिछली सरकारों ने गलती से गिनते गिनते 3000 कर दी,
हमारा काम केवल गिनती करना है और बताना है कि कौन एससी है। तो ये केवट मल्ला मझवार हैं, हमारे यहाँ नोटेड है। इनको न्याय दिलाने का काम सामाजिक न्याय मंत्रालय का है और सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 18 जनवरी 2022 को लिख दिया लेटर कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश जारी करें कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। तो अभी आचार संहिता चल रहा है तो उस लेटर को हम बाहर नहीं कर सकते हैं, सिस्टम हम लोग एक संवैधानिक पदों पर हैं। वो चिल्लफों मचाने वालों को रजाई में बैठ कर 10 रुपया का फेसबुक पर लिखना कुछ करना नहीं है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनके बच्चों का भी भविष्य डॉक्टर संजय बनाएंगे। वो बेचारे जो उपेक्षित हैं इधर उधर पार्टियों में रहे हैं उनका भी हम सहृदय स्वागत करते हैं। वो हमारे समालोचक हैं, आलोचक नहीं हैं, मतलब वो हमारे विरोधी नहीं हैं। कहते ना कि निंदक निहरे राखी आंगन कुटी छवार, अब बिना तेल साबुन के मन निर्मल हो जाए। वो हमारी कमियों को जगह जगह उजागर करते हैं, मैं उसको रिपेयर कर लेता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। सबके प्यार और स्नेह मार्गदर्शन आशीर्वाद से ये अवसर मिला है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। एक सवाल व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत यह है आप बहुत मुस्कुराते हैं तनाव में भी रहकर, सवाल भी जब पूछा जाता है तब भी आप मुस्कुरा कर जवाब देते हैं। कई बार मुस्कुराते मुस्कुराते मतलब आप सवाल को भी छोड़ देते हैं, इसका राज क्या है? देखिए राजनीति में हमें क्या कहना है वो हम लोगों के पास निर्धारित है जी, और हम लोग एक संवैधानिक पदों पर हैं। क्या मसा क्या जाना चाहिए उतना ही भेजना, सवाल कोई भी हो या सवाल कर जवाब, या सवाल ही खेल देते हैं। यह सवाल नहीं है, यह संदेश है। हम जो इनके जीवन की अच्छाई के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, विकास की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय और समरसता कायम हो जाए, वो संदेश हम लोग देते हैं। हम ऐसा सवालों का संदेश नहीं देते हैं जो समाज गुमराह हो जाए, समाज अपना रास्ता भटक जाए, अपने ही भटकते अपने लोगों को भटका दे, उसको तो छोड़ना पड़ेगा ना। और हंसने का राज यह है कि हमारे लोग हंसते हंसते इस देश में कई हजार लोगों ने फांसी पर चढ़ा है, तो हम लोग भी हंसते हंसते अपने समाज की सेवा के लिए इस जीवन को दान दे दिया है। एक दर्जन बीमारियां हैं, हम बड़े लोगों से और बड़े रोगों से लड़ने की पैदा, एक दर्जन बीमारी मतलब बड़े बड़े रोग हैं, कभी डेंगू हो जाता है, कभी हार्ट का में अटैक हो चुका है, स्टेंट पड़े हुए हैं, हमें शुगर है, ब्लड प्रेशर है, खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, इतना वर्कलोड है। तो ऐसी स्थितियों में हंस के जीवन काटना होता है, क्योंकि शरीर कहा गया कि शरीर में जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो शारीरिक रूप से निश्चित रूप से, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार आते हैं और स्वस्थ मस्तिष्क, क्योंकि शरीर को, शरीर का ड्राइवर दिमाग है और दिमाग का ड्राइवर माहौल है। तो माहौल अगर अच्छा नहीं रहेगा तो ड्राइविंग कैसे अच्छा होगा? तो हम अपने माहौल को ठीक ठाक रखते हैं, इसलिए हंसी हमारे चेहरे पर रहती है। और अपने लोगों से भी कहते हैं कि हमेशा हंसते रहो और काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लोगों की सेवा करते रहो। डॉक्टर साहब ने गोरखपुर लाइव से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।